12 प्रो ये मैंने आज ही ख़रीदा है। वेलो गाइज, जो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्हें ज़रूर पता होगा भाई। ये देखो, ये मैंने किया लाइट ऑफ, ये भी लाइट ऑफ, तो आपको समझ में आ गया कि कितना लाइट बाइक में थी ऑलरेडी एंड कितना हमने एक्स्ट्रा लगवाया। सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइज, अभी हम लोग चला रहे हैं अपनी डॉमी एंड इसमें हमने पूरी की पूरी टूरिंग मॉड्स करवा दी है। आपको अपकमिंग वीडियोस में मिलेगी। जो हमने मुजफ्फरपुर में अभी मीटअप प्लान किया था तो वो मीटअप काफ़ी अच्छा रहा। एंड लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत वीडियो के क्वालिटी में इशू आ गया क्योंकि कैमरा में थोड़ा सा क्या हुआ था ना, लाइट पर पता नहीं क्यों जो लाइट के एग्जैक्टली व्यूज़ आने थे वो रेज में कन्वर्ट हो गए थे, तो ये एक प्रॉब्लम हो रही थी। बट कोई नहीं, वो थोड़ा बहुत होता है कभी कभी। एक्चुअली बहुत अच्छे फुटेज थे तो मैंने सोचा कि चलो इसे अपलोड कर देता हूँ। थोड़ा बहुत अगर वीडियो क्वालिटी में इशू है तो आप लोग आई नो कि मैनेज कर लोगे, इतना तो सपोर्ट करते ही हो आप लोग भाई को। एंड यार, अभी मैंने टूरिंग मोड वगैरह तो करवा लिया एंड लिटरली हम प्लानिंग की क्यों ना चलो एक राइड की जाए। बट राइड के लिए भाई ऑब्वियसली बात है ग्रुप चाहिए, अगर डॉमी को लेकर राइड करना है कहीं भी तो। और ऑब्वियसली बात है कि डॉमी को लेके मैं राइड करने का सोच रहा हूँ, इट मींस कि मोर देन 500-600 किलोमीटर्स का राइड होने वाला है मिनिमम। तो अपने पास सही एक ग्रुप, 3-4 लोग भी रहेंगे तो दैट्स अनफ। तो अभी मैं कॉल करता हूँ एक भैया अपने, उज्जवल भैया, जहाँ पे मैंने जिनसे मैंने ड्रोन मंगवाए थे, आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ में देखे होंगे, तो वहाँ पर मेरा एक बार ही डिस्कशन हो चुका था कि भैया आप नेपाल से आओगे तो चलो कहीं पर राइड पर चलते हैं। तो उन्होंने बोला था क्यों ना इसमें कहीं का राइड प्लान किया जाए। मेरा ऑलरेडी प्लान था बट वो भी बोल रहे थे क्यों ना कहीं का प्लान किया जाए। तो चलो बिना लेट के एक बार मैं उनको कॉल करता हूँ आप सबके सामने एंड देखते हैं कि कुछ राइड का बात होता है या नहीं। इस 12 प्रो ये मैंने आज ही ख़रीदा है। वेलो गाइज, जो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्हें ज़रूर पता होगा, बट जो नहीं कर रहे उन्हें मैं बता रहा हूँ कि ये फ़ोन मैंने आज ही ख़रीदा है 12 प्रो। इट्स 128 GB बेस वेरिएंट है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो चलो पहले भैया को कॉल करता हूँ। एक्चुअली गाइस, आज ही ख़रीदा तो उस फ़ोन में नंबर नहीं था मेरे, इस फ़ोन में नंबर है भैया का, मैं पूछता हूँ उनसे। हेलो, अरे भैया कुछ प्लान बनेंगे ना राइड वाइड का? मतलब कि अब तो नेपाल से आ गए ना? हाँ, मैं तो नेपाल से आ गया, ड्रोन भी आ गया अपना। नहीं तो कुछ शॉर्ट रन का या फिर लॉन्ग राइड कुछ प्लान कीजिए। ठीक है, प्लान करते हैं कुछ, अभी तो जस्ट आए नहीं है। ओके, तो मतलब आप मतलब आराम से रेस्ट कर लीजिए थोड़ा, मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को भी सेट कर, क्योंकि नेपाल का तो वेदर, यहाँ का वेदर बहुत डिफरेंट होता है। बहुत डिफरेंस तो बात है ही। हाँ, तो नेपाल का तो ठीक है, आप थोड़ा सोच के बताइए कुछ अगर होता है प्लान तो। अब देखो सोचे हुए तो है, एक दो लोग और हैं, जाना तो चाहते हैं, तो वही प्लान कुछ करते हैं। प्लान देखिए, बेसिकली मैं सोच रहा एक शॉर्ट राइड करते हैं 500-600 किलोमीटर का, अगर आपका जैसा मर्जी हो बताइए मेरे को। नहीं, अब 500-600 क्या करोगे, अगर राइड करना है तो अच्छे से करो, एक लंबा ही राइड करना है तो करो। तो आप बताइए कहाँ का राइड करते हैं या कुछ भी। तो ठीक है, नहीं होता तो बात कर लेते हैं कुछ लोगों से, अपने फ्रेंड लोगों से बात कर लेते हैं। ओके, बता देते हैं। ठीक है भाई, तो आप मेरे को ना एक काम कीजिए, अभी थोड़ा बाहर ही निकला मैं, तो आप मेरे को 10 मिनट में बताओ, क्योंकि मेरे को ना मैं सोच रहा हूँ कि अपने ऑडियंस को भी बता दूँ कि कहीं का राइड हम लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आप बात करके ना मेरे को उस चीज़ का एक बार अगर होता है आज तो कन्फर्मेशन आप दे दो, मतलब कि कहीं का राइड करते हैं। ठीक है, तो हम कंफर्मेशन, मतलब एग्जैक्ट अगर लोकेशन नहीं पता तो कम से कम राइड का तो कंफर्मेशन आप दे दो मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम अपने फ्रेंड्स लोग से पूछ लेते हैं, एक दो लोग हैं। ओके, और रिवर्ट बैक करते हैं। ओके भैया, तब तक मैं थोड़ा एक शॉर्ट राइड करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। ओके भैया, तो भाई लोग जैसा कि देखा आपने, मैंने अभी बात किया उज्जवल भैया से और वो भी बोल रहे हैं भाई कि राइड करना तो एक थोड़ी लॉन्ग राइड ही करते हैं। तो लॉन्ग राइड मीन्स कि वी कैन गो नेपाल।
नेपाल में अगर ये भंसार वाला इशू नहीं आया तो हम लोग नेपाल जा सकते हैं, और या फिर हम लोग गुरुड़ और मांग लेक के तरफ भी जा सकते हैं। तो एक बारी कंफर्मेशन ले लेते हैं किधर जाना है नहीं जाना है, क्योंकि ये राइड ना बेसिकली मैं सोच रहा हूँ ग्रुप राइड करने का। भैया के पास भी डोमिनार 400 है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक वैसा ही राइड प्लान किया जाए, तो हम लोग भी उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। बट द पॉइंट इज दिस कि पहले एक बार सब लोगों का कंफर्मेशन मिल जाए। मैं तो अगर हूँ भाई मुझे कहीं भी लेके चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, चंडीगढ़, राजस्थान, किसी भी साइड लेके चले जाओ, आई एम रेडी विद इट, आई एम रेडी विद माय डोमिनार। टैंक भी मैंने फुल करा लिया, देख लो, ये मैंने पूरी टूरिंग मोड कराई, और आपको अपकमिंग वीडियोज़ में दिख जाएंगे कि मेरी बाइक पहले कैसी थी और टूरिंग मोड्स में मैंने क्या क्या लगवाए हैं। बेसिकली ये मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाया था, तो ये आपको अपकमिंग वीडियोस में दिख जाएंगे कि मैंने क्या क्या बाइक्स में करवाया है। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें ज़रूर पता हो कि बाइक में ऑलरेडी ये सब कुछ पहले से भी लगे हुए थे, बट जब से अपनी वैम्प गई थी तो मैंने सारे कुछ हटवा के इसे शॉर्ट करवा दिया था, मिरर वगैरह सब कुछ हटवा के, सो डैट कि मैं सिटी में इसे राइड कर सकूँ। तो एक बार ही आगे चलते हैं, थोड़ा सा वेदर इन्जॉय करते हैं, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा है एंड हवा जो अभी चल रहा है इतना प्लीजेंट है यार, मतलब मेरे को लिटरली मज़ा आ रहा है अभी राइड करने में। एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने भी मुझे अभी फ़ोन के लिए कॉन्ग्रेट्स बोला है, तो भाई जो लोग इंस्टाग्राम पे उन्हें तो पता होगा। एंड अभी बहुत लोग ये भी बोलेंगे भाई 13 आने वाला है तो आपने 12 प्रो क्यों लिया, तो 13 आने वाला है, बट आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 1 लाख ऑन अ फ़ोन। तो ये रीज़न था कि मैंने ऑब्वियसली बात है 13 लेता तो मैं 13 प्रो लेता, प्रो वेरियंट नॉट 13, तो ये रीज़न था, क्योंकि अभी ऑलरेडी ड्रोन में, मैकबुक में एंड एयरपॉड्स में मैंने मोर देन 2.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया है, एंड फ़ोन में भी 1 लाख मान के चलो इन्वेस्ट हो गए। तो एक महीने में मैंने 3.5 लाख का गैजेट्स वगैरह खरीद लिया, तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं सोच रहा कि भाई क्यों ना वेट कर लेते 13, जब एक टाइम आएगा या फिर अगर मुझे कुछ वैसा ऑफ़र या डील में मिलेगा देन आई विल बाय इट फॉर श्योर। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँगा, डोमिनार में हमने लाइट्स लगवाया, तो अपकमिंग जो वीडियोज़ में आपको पूरा डिटेल मिलेगा इसके रिगार्डिंग। बट स्टिल अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो क्यों ना मैं आपको ये सारी चीज़ दिखा दूँ। तो पहले ऐसे रास्ते में चलते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत अंधेरा हो, जैसे ये रास्ता भी ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा राइट। और भाई पटना में ऑलमोस्ट सारे स्ट्रीट लाइट्स वर्क कर रहे हैं, तो पूरा अंधेरे वाला रूट तो मिलना मुश्किल है, बट आपको मैं एक बार ही दिखाता हूँ लाइट। ये लाइट जो अपना पहले से JG का लगा हुआ था, एंड एक और मैंने लाइट लगवाई है वो, तो आपको यहाँ पे एक येलो टोन दिख रहा होगा, एंड अगर मैं इसे इधर करता हूँ तो ये आ जाता है प्रॉपर वाइट टोन, कुछ ऐसा सेटअप है हमारा। एंड अगर आप लोग को लगता है कि भाई ये लाइट एनफ है अगर कोई भी राइड मैं करता हूँ, आपको शायद अगर कुछ आगे थोड़ा बहुत मेरे को अंधेरा दिख रहा है वहाँ पे एग्जैक्टली लाइट पता चलेगा जब मैं अंधेरे में बाइक को स्लो करूँगा। तो ये रहा एग्जैक्ट लाइट, अगर मैंने इसको और इसको ऑफ कर दिया तो देखो लाइट अभी आपको समझ में आ गया, ये ऑन हुआ और ये ऑन हुआ तो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो लाइट का तो आप लोग समझ चुके हो, एंड अपकमिंग वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी रिगार्डिंग दिस लाइट्स, मैंने कितने का लगवाया है, क्या प्राइस है, कौन से कंपनी के, कहाँ पे मैंने इंस्टॉल कराया बाइक में, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएगी अपकमिंग वीडियो में। एंड या गाइस अभी मैं ये वीडियो को कल ही पोस्ट करूँगा, क्योंकि भाई राइड का प्लान ऑलरेडी मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि भाई कहीं का राइड करना है, कहीं का राइड करना है। तो चलो बिना लेट के एक बार फिर से कॉल करता हूँ भैया को, एंड देखता हूँ कि क्या सीन है नहीं सीन है, क्योंकि यार अगर कुछ भी कंफर्मेशन मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आगे भी हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। क्या यार ऐसे कचड़ा फेंक रहे रोड पे, तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा सो दैट कि हम लोग राइड की प्रिपरेशन वगैरह भी स्टार्ट कर ले। एंड राइड मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग वीक या अपकमिंग मंथ में, मतलब सेप्टेम्बर ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेप्टेम्बर में क्यों ना राइड कर ले। बट एक बार एक कॉल करता हूँ बाइक साइड में कहीं लगाकर, तो थोड़ा इस टॉपिक पे क्लियर हो जाऊँ, क्योंकि भाई इतने देर में आई गेस उन्होंने पूछ लिया होगा जिनसे भी उन्हें पूछना होगा। तो भाई ये देखो, ये मैंने किया लाइट ऑफ, ये भी लाइट ऑफ, तो आपको समझ में आ गया कि कितना लाइट बाइक में थी ऑलरेडी एंड कितना हमने एक्स्ट्रा लगवाया। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो हेलो आसमें। हाँ भैया, तो कुछ हुआ कंफर्मेशन का इसके रिगार्डिंग? हाँ कंफर्मेशन तो हुआ, एक दो चार लोगों से बात हुई है, तो उनमें से दो लोग रेडी हैं। अच्छा, दो लोग रेडी हैं।
हाँ दो लोग रेडी हैं, बोल रहे हैं कि सो भैया 500-600 क्या कीजिएगा, कि जिनको करना है तो कुछ बड़ा कीजिए। तो अपन ना क्या गुरुड़ उन्माग प्लान कर सकते हैं, वो भी अच्छा है अगर मैं वहाँ का परमिट मिला तो। हाँ गुरुड़ उन्माग भी है, असम भी जा सकते हैं क्योंकि असम में भी अपने बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स है, बहुत लोग वहाँ का डिमांड है कि भैया आप आइए यहाँ पे, एक छोटे से मीटअप रखते हैं। वो भी है, अरुणाचल भी है। ओके तो भैया आप एक काम करते हैं ना, आप मतलब प्रॉपर प्लान करते हैं इस चीज पे, हम लोग कल मिलते हैं ठीक है। और थोड़ा बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा ना, मतलब ऑब्वियस सी बात, अगर लंबा राइड का सोच रहे तो बैठ के डिस्कस करेंगे सब लोग तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर वो आपके जो भी फ्रेंड लोग हैं उन लोग अगर आप बुला लीजिए कल, तो फिर डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है डिस्कस कर लेते हैं। और मतलब अगर शॉर्ट राइड या लॉन्ग राइड हो एक बार, क्योंकि मैं उन लोग को नहीं जानता ना भैया, तो एक बार डिस्कस कर लूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ वो मतलब प्रॉपर वे में बैठ के डिस्कशन करने से ज़्यादा बेटर रहेगा। और अपने लोग जो भी है अपने यूट्यूब फैमिली मेंबर, उन लोग को भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा इसके रिगार्डिंग। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राइड में रहेंगे तो भैया अगर हम लोग का जो भी राइड होगा 2 दिन 4 दिन 10 दिन का, तो इन लोग को भी मतलब पहले इंट्रोड्यूस करा दूंगा, सो दैट कि ये लोग भी उससे मतलब फैमिलियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो ठीक है भैया, कल का प्लान करते हैं मिलने का। हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर, कल मिलते हैं। ओके भैया ठीक है, आपको मैं कल तक कॉल कर। ओके भैया बाय, गुड नाइट भैया। गुड नाइट, गुड नाइट। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, दिन बाय बाय एंड राइड सेफ। मैंने सोचा कि क्यों ना एक शॉर्ट राइड भी कर ले नाइट राइड, एंड आप लोगों से डिस्कस भी कर लूँ, क्योंकि प्लान तो भाई बहुत दिन से सोच रखा था। भैया को मैं कब से बोल रहा हूँ, जब से वो नेपाल में थे, जब से अपनी ड्रोन आने की प्लान थी ना, तब से मैं बोल रहा हूँ भैया प्लीज़ राइड करो यार, प्लीज़ राइड कर लो डोमिनार रख के। मतलब मेरी डोमिनार उनके बाद की है, उनके डोमिनार ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं, BS4 वेरिएंट है, एंड उनकी डोमिनार मेरे से कम चली है, जबकि मैं इस डोमिनार को ना बहुत कम चलाया हूँ। आप सबको पता है बहुत शॉर्ट राइड्स मारे यार, एक राइड मैंने किया था इसका वाराणसी का एंड एक रांची का, आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा मैंने कुछ भी राइड किया इस पे, और जो भी चला सिटीज़ में चला, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई उनके डोमिनार बिल्कुल नहीं चली है। तो चलो उनसे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा कल क्लियर आप लोगों को कर दूंगा, एंड अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ गाइस।